हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एआर एजुकेशनल हब में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे अभी यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं और खास करके जो झारखंड के बच्चे हैं वो ज्यादा सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे। मैंने एक चीज देखा है और उसकी वीडियो जो है आपको कोई भी कंफर्मेशन कोई भी राहत वाली बात आप लोगों को नहीं आई है सामने में। तो आज मैं वही टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड कंबाइंड के JSEE CEB, ठीक है। झारखंड कंबाइंड ये जो एग्जाम होता है ये एक्चुअल में झारखंड स्टेट में ही होता है। सारे स्टेट अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जो उनका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाते हैं। ये एग्जाम में क्या होता है, ये एग्जाम में संभावना है कि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर मिल सकता है, यहाँ पर आपको फार्मेसी मिल सकता है, यहाँ पर आपको वेटनरी मिल सकता है, यहाँ पर आपको और भी अदर नर्सिंग हो गया या फिर और अदर जो भी पोस्ट होते हैं वो सारा आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन के थ्रू मिल सकता है। बट उससे पहले आपको ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसकी क्या एग्जाम की कैटेगरी होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है एग्जाम की, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होता है और ये कब होगा, 2020 में ये आखिर एग्जाम कब होगा। तो हम लोग आज पूरे इस वीडियो में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी नीट का जो डेट आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 1 अगस्त का। नीट का जो डेट दिया गया है आपको 1 अगस्त का दिया गया है। ये अभी कंफर्म नहीं है और नीट इस दिन होने भी नहीं वाला है, बिकॉज 7 वीक्स का टाइम चाहिए आपको पूरा एग्जाम कंडक्ट से लेकर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है और जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसको कंप्लीट कराने में लगभग आपको यहां पर चाहिए 7 वीक्स। 7 वीक आप बोलिएगा भाई गवर्नमेंट है कुछ भी करा सकती है। भाई गवर्नमेंट कुछ भी करा सकती है बट ये सब चीजों में फेरबदल नहीं हो सकता। ये जरूरी है एग्जाम जल्दी हो जाए, रिजल्ट जल्दी आ जाए, ये ठीक है, बट कह देना एग्जाम ही जल्दी करवा देना है भाई, एडमिट कार्ड भी अभी नहीं निकला है, ठीक है। तो 1 अगस्त को एग्जाम मानकर चलिए नहीं होता है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, पिछले साल बहुत ज्यादा लेट हुआ था, मैंने भी आप लोगों को सपोर्ट किया था एग्जाम में, मैं काउंसिल भी गया था एग्जाम को लेकर पूछने के लिए कि आखिर एग्जाम कब होगी, क्या प्रोसेस चल रहा है, उन्होंने मुझे पूरा डिटेल बताया था। इस साल क्या है कि अभी तक भी इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है जिक्र कब होगा, जब नीट खत्म होगा, जब नीट खत्म होगा उसके बाद जिक्र होगा कि आखिर आपका एग्जाम कब होगा 2021 का, ठीक है। मानकर चलिए अगर एग्जाम सेप्टेम्बर तक खत्म होता है, सेप्टेम्बर तक, ठीक है, तो सितंबर समझ लीजिए मिड में, सितंबर मिड से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन अगर सितंबर मिड से शुरू होता है तो सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक ये एग्जाम हो सकता है, ठीक है, अक्टूबर तक में ये एग्जाम हो सकता है आप लोगों का झारखंड कंबाइंड, ठीक है। तो बिल्कुल और बिल्कुल अवेयर रहिए कि आपका एग्जाम होकर रहेगा, अक्टूबर नवंबर तक ये आपका एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं कि आखिर ये एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल जो सेम पैटर्न है नीट का, जो सेम पैटर्न है नीट का, बिल्कुल यही पैटर्न इसमें भी फॉलो होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का ये नहीं है कि भाई जब तक मैं यहाँ पर जेई क्लियर नहीं करूंगा, जब तक मैं यहाँ पर नीट क्लियर नहीं करूंगा तब तक एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस 12th में आपके यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट होने चाहिए प्लस आपके सारे सब्जेक्ट मिलाकर 50% एक्यूरेट मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसको देने में सक्षम हो, अन्यथा इसमें आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हो, बिल्कुल और बिल्कुल नीट की तरह, ठीक है। जो भी आपकी एज है वो लगभग 17.5 साल होने चाहिए, ठीक है, 17.5 या फिर नीट में जो भी एज चाहिए 17 साल, वही इसमें भी वही एज लिमिट है। फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं लगभग 750 समथिंग या फिर 800 समथिंग, मुझे याद नहीं सर, इतना ही इसमें रजिस्ट्रेशन लगता है। इसमें आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा, फार्मेसी मिल जाएगा, वेटनरी मिल जाएगा और भी अदर नर्सिंग होते हैं, कुछ और भी इसमें होते हैं फैकल्टीज, वो सारा आपको इसमें मिल सकता है। तो जिनका भी नीट अगर नहीं निकलता है तो वो इस फॉर्म को फिलअप करके वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है एग्जाम का, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोग को जरूर श्योरली बताऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं करना। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि जो भी बच्चे प्रॉब्लम है उनको समझ में नहीं आ रहा भाई झारखंड कंबाइंड होगा भी नहीं होगा, कब होगा, कोई वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है, कोई वीडियो किसी की नहीं आई है, मैंने सोचा कि आप लोग को मैं बिल्कुल और बिल्कुल सही बात बता दूं, एग्जाम कब तक हो सकता है, पढ़ाई जारी रखिए आप लोग, ठीक है। बट सबसे पहले आप लोग नीट पे फोकस कीजिए, उसके बाद ये एग्जाम पे, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो प्लीज AR एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल चैनल पर जो भी न्यू है बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।